एलीट फैसला करती है कि हमने जो है ना ज्यादतियां नहीं करनी आम लोगों के साथ। बिल्कुल 1% एलीट होती है वो फैसला करती है कि हमने ज्यादती नहीं करनी। अब अमेरिका की मिसाल ले लेना, अब कालों के हकूक नहीं थे, गोरों ने फैसला किया, कालों के लिए तो गोरे एलीट थे ना, गोरों ने फैसला किया कि यार हम कालों के साथ गलत करें, हमें उनको राइट्स देने चाहिए, फिर उनको राइट्स मिले। उसमें भी उनकी एक जंग हुई, लेकिन फिर खैर सब एक कंसेंसस पे आ गए कि हाँ भाई इनको हुक देने। तो एलीट फैसला करती है, जब तक एलीट फैसला नहीं करेगी ना कि हम गलत करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सलमान जी? खैरियत? बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र, सब अल्लाह का करम है, बेहतरीन, मजे में। अच्छा और सुनाओ? बस शुक्र अल्लाह पाक का, तुम कैसे गुजार रहे हो? रोजे यार अल्लाह का शुक्र है, रोजे ठीक ही गुजार रहे हैं। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है बारिश हो रही है। हाँ ये शुक्र है, ये शुक्र है बारिश, मामला ठीक हो गया, नहीं तो बड़ी गर्मी हो रही है खास तौर पर। अगर बाहर आपने जाना आना जाना हो ना तो बड़े मामला खराब हुए। और आजकल यार ये एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, हर बंदा जो है वो आटा बांट रहा है। अभी हमारे इधर चकलाला स्कीम 3 वाली साइड पे आटा जो है वो बांट रहे थे लोग। अब है तो मेन जगह नहीं, कौन सा गवर्नमेंट वाला जो दे रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट वाला नहीं, ये खुद लोग मेरा ख्याल है बांट रहे हैं, जो जरा रिच लोग हैं उन्होंने अपने घर के बाहर एक मेला था लगाया होता है। मैंने वीडियो तो खैर किसी को उस तरह बनाते हुए नहीं देखा, नहीं क्योंकि मैं बाहर से गुजर रहा था तो उनका घर काफी आगे था, कम से कम 100 मीटर की लाइन होगी ऑलमोस्ट, तो मैंने देखा तो नहीं उनको। हो सकता है बना रहे हो, लेकिन हम बदगुमानी नहीं करते। तो बहरहाल हुकूमत भी दे रही है आटा। अच्छा तो हुकूमत भी आटा दे रही है, और सुना के हुकूमत दे रही थोड़ी है, हुकूमत तो जलील कर रही है मेरे ख्याल में। और लोगों यहाँ ये तो लोग वीडियो देखिए आप, जिसमें वो होते हैं लाइन में खड़ी हुई हैं आटा लेने के लिए और उनको मार पड़ रही है, देखिए बड़ी वायरल हुई है फेसबुक। नहीं मैंने देखी यार, मैं इस तरह की कोई वीडियो आती है ना आगे कर देता हूँ, डिप्रेशन होता है, दिमाग खराब होता है, लिटरली दिमाग खराब होता है। ये तो बंदा सोचता है कि यार क्या मतलब हमारे मुल्क में चल रहा है, क्या चल रहा है, और ये के लिए मारे पड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और ये जो है दिस कुड बी अस, ये हम भी हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। बस अल्लाह पाक जो है वो सबके लिए आसानी रखे, किसी का मोहताज ना बनाए। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा दूसरी बात, मैं एक और बात मैं पढ़ रहा था कि 3 रुपये का मैसेज करते हैं आप और उसके बाद 10 किलो आटा आपको मेरे ख्याल 1200 या 1300 रुपए का मिलता है, तो आप कैलकुलेट करेंगे वो 3 रुपए जो है वो कितने मिलियन लोग मैसेज करेंगे, उससे भी पैसा कमाया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ठीक ठाक जो है वो पैसा कमाया जाएगा। लेट से फॉर एग्जांपल हम अगर मिनिमम उससे भी रखें तो 50 लाख लोग रख लें, 50 लाख कम से 50 लाख बहुत कम है यार, कम से कम 5 करोड़, कम से कम 5 करोड़, 500 मिलियन दो आप ही देख लें। अब आप 500 मिलियन 1500 मिलियन रुपए, बिल्कुल 1500 मिलियन रुपए ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। ये तो असल में पता है बात क्या है, बात ये है कि हम रहते हैं पिंडी इस्लामाबाद में, यहाँ पे हमें नजर आते हैं बड़े बड़े घर, DHA, बैरिया, गुलबर्ग वगैरह वगैरह, तो इस वजह से हमें लगता है कि नहीं यार यही आप थोड़ा सा रवाद से आप क्रॉस कर लेना, थोड़ा साउथ में चले जाएं, थोड़ा ऊपर नॉर्थ वाली आगे पीछे चले जाएं, तो आपको नजर आएगा कि लोग जो है ना किस तरह सफर कर रहे हैं लिटरली। ऐसे ही ऐसे, तो और ऊपर से फ्रूट कहाँ पहुंचा हुआ अभी, मैं फ्रूट की तो इन्होंने है अंती मचा दी है ना, अंती मचा दी है। ठीक है अब ये है कि रेट लिस्ट देखो, उससे डबल भी नहीं, एक होता चलो 100 रुपए की चीज आते हैं 200 की बेच रहे हैं, 400 की ऐसे ही। स्ट्रॉबेरी किस तरह किलो दे रहे हैं 400 रुपए, 500 रुपए किलो स्ट्रॉबेरी, बिल्कुल ऐसे ही। क्या मतलब ये कहाँ की इंसानियत है कि मतलब 200 रुपए वाली आप 500 रुपए किलो दे रहे हो, ये तो कोई वो नहीं है ना, आम बंदा क्या खाए कहाँ जाए जिसके पास। अब तो खैर फ्रूट वाला खत्म ही हो गया ना कॉन्सेप्ट, मैं बताता हूँ पहले दिन गया हूँ केले लेने तो 600 रुपये दर्जन थे, मैं वापस आ गया, मैंने कहा रहने दो थोड़े दिन बाद, मैंने अपनी तरफ से बायकॉट किया कि यार फ्रूट नहीं लेना, बायकॉट ठीक है, लेकिन मैं नोट किया हमारी आवाम बायकॉट नहीं करती, हमारी आवाम का ये सीन है कि जब उनकी कुव्वत खरीद से बाहर हो जाते हैं तब वो लेना छोड़ देते हैं, और इस दफा कुव्वत खरीद से बाहर हुआ है तो लोगों ने लेना इसलिए छोड़ा, नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि लोग बायकॉट करें। जब मुझे याद है 2017 में जब हुआ था ना 260 रुपये केले दर्जन थे, तो बड़ी ट्रेंड चला बायकॉट करें बायकॉट करें, किसी ने कोई बायकॉट नहीं किया, बस अपना वो फायदा निकाल लेते। और मजे की बात ये है कि पिस्ता बेचारा वो जो रेडी पे बेच रहा है वो है बायकॉट, हम उसी का कर रहे हैं ना, उसी का पीछे जो जिसके बाग हैं उस बेचारे को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन जो बीच में बताया ना मिडल मैन जिसने तरसील करनी है वो फायदे में, वो 3-3 गुना 4-4 गुना कमा। बात ये देखो रेडी वाले भी जैसी बात है, वो मंडी से लेकर आ रहे हैं ना, मंडी से लेकर, चलो मानते हैं कि वो मंडी की रेट पे नहीं दे सकता ठीक है, कि वो लेकर आ रहा है उसका एक अपना एक्सपेंस है ऐसे ही, लेकिन ये भी तो जाती है कि वो इतना बढ़ा दे प्राइस को कि लेने वाला ना ले। नहीं लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं कहूंगा लेकिन बड़े करीब से मैंने देखा है, ये लोग जो है ना फॉर एग्जांपल अगर 250 रुपए की चीज ला रहे हैं तो 300, 320, 330 की बेचेंगे, इतना तो अब मेरा ख्याल से डिजर्व करते हैं, इधर से बात है वो मंडी जाएंगे इतनी दूर से लेकर, लेकिन जो पीछे जिसका बाग है ना वो समझे वो आपको दे रहा होगा 70 रुपए, और बीच में जो 300 का उसको पड़ रहा है ना वो क्यों पड़ रहा है, वो बीच में जो मिडल मैन है ना वो कर रहा है सारी, तो ये सारा हिसाब किताब है। तो एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट 0 है, चाहे बायकॉट करें या ना करें।
रिजल्ट जीरो। ये तो है, ये तो मतलब क्या होगा फिर, इसका मतलब कोई हल कोई नहीं है पाकिस्तान का, हल कोई नहीं है क्योंकि अब पाकिस्तान जो बनाया गया ना वो भी वडेरों के लिए बनाया गया था। हम तो बस एक आ गए ना, जिस साथ एक वेल मछली चल रही होती है तो उसके पीछे छोटी छोटी 8-10 मछलियां होती हैं, तो हमारा वो हिसाब है, इससे ज्यादा हमारा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि क्योंकि हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम ये है कि थोड़ा बहुत हमें भी उसका हिस्सा मिलता रहेगा। बस हमने 2060 में भी ऐसे ही होना है, मैं आपको बता रहा हूँ। चलो, हम अपने बचपन में सोचते थे कि चलो जब हम बड़े होंगे तो मुल्क के हालात अच्छे होंगे, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मौके होंगे, जो कि नहीं है। तो जो आने वाली जनरेशन है तो उनके लिए फिर कुछ भी नहीं होगा। आने वाली जनरेशन तो आप देखे ना, उनका पहले से ही कॉन्सेप्ट है, जो थोड़ी समझदार है पढ़ी लिखी है उनका ये कॉन्सेप्ट है, भाई इधर से निकल लो, कॉन्सेप्ट ही है। और अब तो मैंने देखा है कि लोग जो है वो बच्चे भी नहीं कर रहे, लिटरली एक बच्चा या एक भी नहीं, यार इधर करके क्या करना है, लिटरली यही सोच है। तो जो थोड़ी पढ़ी लिखी सोच है वो तो कहते हैं यहाँ से निकल लो। आपके अपने कितने बच्चे? यार मेरे एक बच्चा है। अच्छा, मेरा भी एक ही। तो ये हिसाब किताब है। अच्छा, तो ये सारी बात है। और क्या बाकी, रशिया से भी सुना आटा आ रहा है? रशिया से आटा? आपने आटा सुने? हाँ। मैं सुना रशिया से हम कीड़े इंपोर्ट कर रहे हैं। कीड़े इंपोर्ट से कर रहे? मैंने तो ये सुना है कि कीड़े आ रहे हैं जो लोगों को खिलाने यहाँ पाकिस्तान में। तंज ना करें और सीधी बात करें। अच्छा अच्छा, तो मैंने तो यही सुना है कि जो रशिया से जो हम गंदम ले रहे हैं वो इंसानों के खाने के काबिल नहीं है। अच्छा, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे वही गंदम जो है अपने लोगों को खिलाएंगे और उनकी जानों के साथ खेलेंगे। यार ये तो बड़ा नॉर्मल है, मैं बताता हूँ। आप देख रहे होंगे फेसबुक पे? नहीं, मुझे बस इतना पता था कि रशिया से काफी टनों के हिसाब से आटा आ रहा है तो वो ले रहे हैं। मुझे नहीं इस बात का पता था कि ये कीड़ों वाला सीन है। नहीं, मैंने तो फेसबुक के ऊपर बकायदा ये वीडियोस देखी हैं। अच्छा, और जुनैद अकरम ने भी बनाई हुई है। अच्छा, मतलब काफी सारे हमारे जुनैद अकरम को मैं बहुत मतलब अच्छा लगता है, लेकिन वो इतनी डिप्रेसिंग बातें करता है ना कि बंदा कहता है यार मैं किधर आ गया, इसलिए मैं कम सुनता हूँ। बातें जेन्युइन करता है? नहीं, जेन्युइन करता है। अगर आप उनकी बातें सुने तो वो सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से डिप्रेसिंग बातें कर रहे होते हैं, बाकी नहीं। बाकी वो बता रहे होते हैं कि बाहर कितने मौके हैं, आप पाकिस्तान छोड़ें और बाहर जाएं। हाँ ऐसे ही यार, मैं तो कहता हूँ काश हम उसी तरह पहले, आज से 20 साल पहले वाले उसी तरह बेवकूफ होते। हमें लगता कि यहाँ हुकूमत काम कर रही है, सब अच्छा चल रहा है, इंशाल्लाह हो जाएगा। काश अभी भी हमारी वैसी सोच होती तो कम से कम दिमागी सुकून होता, फालतू का डिप्रेशन और स्ट्रेस ना दिमाग पे सवार। असल में हमें जो सोशल अवेयरनेस हुई है वो हुई सोशल मीडिया के थ्रू है। ऐसे ही है, ठीक है। पहले जाहिर सी बात है लोगों के पास इतनी ये चीजें नहीं थी, मोबाइल्स वगैरह नहीं थे, लोग वीडियोज नहीं बना सकते थे, तो कितने लोगों को बात पता चलती थी जो आस पास के थे, आपस में बैठे बात कर ली। बिल्कुल। अब यह है कि वीडियो बनाते हैं, जैसे ही आपने सोशल मीडिया पे अपलोड की तो वो पूरे जान में फैल जाती, सबको पता चल जाता है ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है दुनिया में। क्या वो तो छोड़ ही देना, बाकी और जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो भी हमें गंदा करते हैं फिर। यार उनको तो मौका मिल जाता है ना, इंडिया को मौका मिलता है, इंडिया को फुल टॉस मिलती है, इंडिया छक्का मारता है। बिल्कुल ऐसी। अभी अब चलिए इस बात को भी छोड़ दें, हम इंडिया और पाकिस्तान को ले लेते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ट्विटर पर भी ट्वीट की और हमारे भी प्राइम मिनिस्टर ने ट्विटर पे ट्वीट की, आप फर्क देख लें दोनों में क्या। हाँ मैंने देखा, इंतहाई अफसोसनाक बात थी। मेरे हिसाब से तो शायद ऐसी ट्वीट करनी ही नहीं चाहिए थी, जब आप मतलब बेसिक ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो पीछे क्या रह गए। बिल्कुल, बड़ी डीप बातें हैं ये। अब एग्रीकल्चर लैंड था हमारा, किधर गया क्या बताएं। अब तो पाकिस्तान में कुछ रहा ही नहीं है ना, और जो हालात चल रहे हैं कुछ पता नहीं है क्या होगा, क्या आगे आने वाले दिनों का कोई पता नहीं है। अभी मैं कल फॉरेन रिजर्व देख रहा था, 1.5 बिलियन डॉलर रह गए, थोड़े मतलब दो एक महीने पहले 4 बिलियन थे, अभी 1.5 बिलियन डॉलर रह गए। दिस इज मतलब ये शायद 18 या 19 दिन के चल रहा है हमारा IMF से, लेकिन पता नहीं क्या होता है, देते हैं नहीं देते। यार शाहरुख मैं बताऊँ, देखो मैं रियल स्टेट में हूँ, ठीक है, मैं रियल स्टेट का काम करता हूँ, तो पहले जैसा से चल रहा था लोग इन्वेस्ट करते थे, लोग कर नहीं रहे। आप कह रहे हैं भाई हमें भरोसा ही नहीं है, कोई पता नहीं क्या हो जाए, हमारे पैसे डूब जाएंगे, ठीक है, पाकिस्तान अगर बैंक रस्सी में चला जाता है फिर क्या होगा। एग्जैक्टली ठीक है, तो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे पाकिस्तान में इस टाइम कोई भी। ये नहीं कि लोगों के पास पैसा नहीं है, बहुत पैसा है, हमारे जितने भी ओवरसीज हैं यहाँ पर देख लो बहुत पैसा है, लेकिन क्या है कि नहीं इन्वेस्ट कर रहे, लोगों ने अपने पास ही रखा हुआ, कह रहे हैं अपने हाथ में रखें ताकि हम सेफ फील करें। लेकिन यार ये भी तो बेवकूफ़ी नहीं है, मतलब अगर पाकिस्तानी पैसा आपने रखा हुआ, अब मेरे पास ना तकरीबन 1-1.5 लाख रुपये थे और अभी भी मतलब अभी तो खैर बिल्कुल ख़त्म हो गए वो, लेकिन पॉइंट ये है कि जब ख़त्म हुए हैं तो उस वक्त वो 1.5 लाख रुपए शायद 40,000 रुपए के बराबर थे, मतलब कंपैरेटिवली पेट्रोल या डॉलर की अगर प्राइस से मैं कंपेयर करूँ तो ये हिसाब किताब है। तो मेरे हिसाब से अगर कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं या कुछ खरीद लेते हैं तो वो बेहतर नहीं है, गाड़ी खरीद लेते हैं। मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से तो आजकल तो ये हालात चल रहे हैं, अगर आप सीमेंट की बोरियां भी खरीद के रख लेना तो फायदेमंद है। तो लोग आजकल यही कर रहे हैं, देखो लोग आजकल गाड़ियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि आज कुछ और प्राइस है,
और ये नहीं पहले होता था कि चलो यार के फर्क आता साल बाद आता साल बाद छह महीने, अब फर्क आ रहा है हफ्ते के अंदर ही अंदर, हफ्ते बाद नहीं हफ्ते के अंदर ही अंदर, हफ्ते में दो दफा प्राइस इंक्रीज हो जाती है गाड़ी की। मैं कल गया हूँ डबरोटी लेने ना, तो डबरोटी मिली है मुझे तकरीबन शायद 120 रुपए की, और अभी कोई चार या पांच दिन पहले से डबरोटी लेने गया हूँ तो 100 रुपए की। मतलब ये तो बिल्कुल एक बेसिक नेसेसिटी है ना, एक छोटी सी चीज है और चार दिन में इतना प्राइस बढ़ रही है, समझ से बाहर है क्या चल रहा है। कोई मतलब रोकने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला है, रोके भी क्या रोके, लेकिन पीछे आवे का आवाज जो है वो खराब हुआ है। ये तुमने तो वो बात कर दी है, देखें भी तो क्या देखें तुम्हारे सिवा। सही बात है, सही तो बस अल्लाह पाक जो है मुल्क के हालात को दुरुस्त करें, क्योंकि बंदों के बस की बात ही नहीं है, कोई बंदा है ही नहीं करने वाला यहाँ पे, हर बंदे को अपनी पड़ी। असल में मैं आपको बताता हूँ, हमारे हमारे यहाँ मसला एक ये भी है ना, हम एक मसीहा की तलाश में कि मसीहा आ जाए यूं करके ठीक कर दे। अभी भी इमरान खान साहब को ना लोग एक मसीहा के तौर पर देख रहे हैं कि इमरान खान साहब आएंगे यूं ठीक कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये सिस्टम नीचे से डेवलप होता है, उसके बाद ऊपर जाके ठीक होता है। मसीहा कुछ भी नहीं कर सकता, मसीहा ने जब आना है वो अपने टाइम पे आना है। अब मसीहा, और एक तो ये मसीहा वाली चीज से निकल आए कि मसीहा आएगा वो कुछ करेगा, और दूसरी बात ये पाकिस्तानी अवाम लिटरली पढ़ी लिखी अवाम भी ये सोचती है कि हम कुछ सिलेक्टेड पीपल हैं, हम कुछ स्पेशल लोग हैं, हमारे हम बस हमने जन्नत में ही जाना है, बड़े हम स्पेशल लोग हैं। पता नहीं कब इस सोच से निकलेंगे कि यार नहीं भाई हम स्पेशल नहीं है, नहीं निकल सकते। उसकी वजह ये होती है कि इस सोच से निकलने के लिए जो आपकी नस्ल होती है नीचे, जो आपकी न्यू जनरेशन होती है, आप उसको तैयार करते हैं, जब वो तैयार हो जाती है फिर वो आगे तैयार करती है, तब आप इस सोच से निकलते हैं। तो हम क्या दे रहे हैं नीचे, कुछ भी नहीं दे रहे। मैं खुद मैं अपना बता रहा हूँ, मैं आज से 5-6 साल पहले तक समझता था हम स्पेशल लोग हैं, ये सब जो है फारिग हैं, हम बड़े खास लोग हैं, मसीहा आएगा हमें बचाएगा एंड ऑल। लेकिन फिर जब मैं रियलिटी पढ़ना शुरू हुआ, थोड़ी बहुत 2-4 किताबें पढ़ी, थोड़े लोगों को सुना, तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार कितनी हमें बेवकूफ़ बनाया गया था बचपन से कि मसीहा आ रहा है हम स्पेशल लोग हैं और बस पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसे ही ऐसे ही, लेकिन रियलिटी ये नहीं है ना, रियलिटी ये नहीं, रियलिटी नहीं ये, यहाँ पे ये कि आपने जो करना है खुद ही करना है, ऐसे ही है बिल्कुल। और पाकिस्तान में तो आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, जो हालात कुछ भी नहीं कर सकते, आप अपने लिए कुछ कर लें तो बहुत बड़ी बात। हाँ अपने लिए आप कर लें, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा दूसरी बात ये है, अब लोग कह रहे होते हैं आम लोग गलत कर रहे हैं, आम लोग इशारा तोड़ रहे हैं, आम लोग हर जगह ही ऐसे होते हैं। आप अमेरिका में चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, फ्रांस चले जाएं ना आप, क्योंकि उनकी तरबियत हुई है तो हमसे थोड़े बेहतर होंगे, लेकिन बहुत बेहतर नहीं होंगे। आम आवाम ऐसी होती है, इलीट फैसला करती है कि हमने जो है ना ज्यादतियां नहीं करनी आम लोगों के साथ, 1% इलीट होती है वो फैसला करती है कि हमने ज्यादतियां नहीं करनी। अब अमेरिका की मिसाल ले लेना, अब कालों के हकूक नहीं थे, गोरों ने फैसला किया, कालों के लिए तो गोरे एलीट थे ना, गोरों ने फैसला किया कि यार हम कालों के साथ गलत कर रहे हैं, हमें उनको राइट्स देने चाहिए, फिर उनको राइट्स मिले। उसमें भी उनकी एक जंग हुई, लेकिन फिर खैर सब एक कंसेंसस पे आ गए कि हाँ भाई इनको हकूक देने। तो इलीट फैसला करती है, जब तक इलीट फैसला नहीं करेगी ना कि हम गलत कर रहे हैं, नहीं हो सकता। अब आप देख रहे ना, चाहे पीटीआई हो, नून लीग हो, व्हाटएवर जितनी भी पार्टीज है, किस इलीट ने फैसला किया कि हम गलत कर रहे हैं, वो ही नहीं खत्म होते भाई। ये होता है आपके घर में स्त्री है, स्त्री है अल्लाह के शुक्र है, फिर तो आप इलीट क्लास में आते होंगे। हमारे कुछ है इलीट क्लास, इनके पास स्त्री नहीं है कपड़े स्त्री करने के लिए ना। नहीं आप जिस तरफ बात लेके जा रहे हैं खतरनाक बात है, लेकिन नहीं करते इस बात को, नहीं करते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, चलो फिर ठीक है, ये हिसाब किताब है, उसमें रोजे वगैरह इसको कट करते हैं, फिर बाद इसको देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। ठीक, और बाकी सुनाए रोजे शोजे ठीक जा रहे हैं? रोजे शुक्र अल्लाह पाक का ठीक जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि बारिशें हो रही हैं। हाँ। और अभी आगे आने वाले हफ्ते में बारिशें हैं। हाँ बारिशें बताई हैं, तो ये उस लिहाज से ठीक है, वो ठीक है फिर भी बिल्कुल ये। बाकी और बताएं, बाकी सब अमन शांति है अल्लाह का करम है। हाँ ठीक ठाक। तो ये भी आप ये बताएं कि आप कौन कौन से जो हमारे जैसे जुनैद अकरम पॉडकास्टर जितने भी, किस किस को देखते हैं? जुनैद अकरम की देख लेता हूँ पॉडकास्ट, तो मतलब कुछ स्पेसिफिक कोई अच्छा बंदा आया हो मज़े का तो फिर देख लेता हूँ। तैमूर को देख लेता हूँ, उसकी पॉडकास्ट देख लेता हूँ, और कौन है, फैसल वड़ाई साहब हैं, उनकी देख लेता हूँ। उनकी तो खैर बहुत ही अच्छी है ना। हाँ। उनकी तो मतलब सारी जो है वो प्रॉपर प्रॉपर हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल सारी, मतलब मैं मुझे इंटरेस्ट भी है उसमें तो मैं देख लेता हूँ, तो इनकी देख लेता हूँ मैं। और एक मुजम्मिल हसन एक नया आया है वो करता है, लेकिन खैर वो मुझे बंदा वैसे मतलब नहीं पसंद, जिस तरह कि वो अपने आप, पता नहीं मेरी ये समझ से बाहर है, हर इलीट बंदा ना अपने आप को मिडिल क्लास बनाना क्यों चाहता है कि यार हम मिडिल क्लास से ऊपर आए, हम मिडिल क्लास से ऊपर आए, ये नॉनसेंस मेरी समझ से बाहर है। जुनैद अकरम कहे ना कि हाँ यार मैं मिडिल क्लास था, समझ आती है, खुद बताता है यार मैं इस तरह गया ये वो। अब मूरू जैसा बंदा या वो इरफान जुनेजा जैसा बंदा अगर कहे यार मैं इलीट नहीं हूँ मैं मिडिल क्लास बंदा हूँ, तो ये झूठ है, ड्रामेबाजी है, लिटरली ड्रामेबाजी है। ऐसे ही ऐसे ही है, तो ये सारा हिसाब किताब है, बिल्कुल ऐसे ही है, बस बाकी देखते हैं क्या होता है यार। चले जी अब मेरा ख्याल है थोड़ा सा बंद करते हैं, खत्म करते हैं इसको, रेस्ट मारते हैं, काफी बोल के थक गए। तो ठीक है।
ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।